सुप्रभात बहनों, कक्षा द्वादश आज देखेंगे हम आगे। पाठ चल रहा है हमारा सिल्वर बेंडिंग। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, तब तक आप जो है मैं पंजी के फ़ोन से पंजी के नंबर से आपको भेज रहा हूँ, आप पढ़ते रहिए। गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं। बच्चे बहस में जब यह तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी पा जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रह सकेगा। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो, आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए, तब यशोधर बाबू टिप्पणी किया करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं, उसमें तो एक ही तरह के सोचने वाले होते हैं, कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बात ही कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, असी का फूल चुटिया में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुँचे जहाँ एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। अफसोस, आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खास लगा नहीं। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत अधिक धार्मिक अथवा कर्मकांडी है नहीं। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरह रोज़ मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे हैं। अगर कभी उनका मन शिकायत करता है कि इस सब में लग नहीं पा रहा हूँ, तब उससे कहते कि भला लगना भाई लगाना चाहिए, अब तो माया मोह के साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लग जाओ बाट बन प्रदेश की, जो करते हैं जैसा करते हैं करें। हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी इस लाइफ की नहीं उसकी चिंता करनी है, इस लाइफ की नहीं उसकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगें, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, वह नहीं मांगते तो न मांगें। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुने सुनने लगे, मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपनी जीजा जनार्दन जोशी की याद हो आई। परसों ही कार्ड आया था कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं। अभी उस दिन हद हो गई, कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सकें। यशोधर जी का नारा, हमारा तो सैफ ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है, इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है कि सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं देखा हुआ कुछ नहीं है,
माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ की यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही वह दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता ही क्या है। पत्नी आग्रह पूर्वक करती कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किसंदा के मुँह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। किसंदा को जो भी मालूम था वह उनका पुराने गवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं, जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किसंदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, तुम्हें क्या सुल लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो। तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे, शादी के बाद तो मैंने तुम्हें देखा तो क्या नहीं रखा है। हफ्ते में दो दो सिनेमा देखते थे, गजल गाते थे, गजल हुई और सहगल के गाने। जयधर बाबू स्वीकार करते हैं और करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गी आना ठीक ही है। पत्नी से वह कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल यह बगैर बाह का ब्लाउज पहनना या रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, यह ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही पचासों काम अपनी बेटी के सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे तो वे संभाव इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा, देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई ऐतराज़ होना नहीं चाहिए। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में डूबा रहना अच्छा नहीं लग रहा। सुबह शाम संध्या करने के बाद वह जब थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तब मन की किसी परम सत्ता में नहीं इसी परिवार में लीन होता है। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें तथा साथ ही वह अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज़ के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीज़ें। वानप्रस्थ के लिए सुधर बाबू का अपने पुस्तैनी गांव में जाने का इरादा है रिटायर होकर, फॉर फ्रॉम द मैंडिंग ग्राउंड समझे। इस तरह की तमाम बातें सुधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किसंदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं और कहकर उनकी तरह ही वह झेपी सी लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। जब तक किसंदा दिल्ली में रहे यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते रहे। स्वयं किसंदा हर सुबह शहर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाऊ, ऐसा कहना नहीं भूलते। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किसंदा ने उन्हें रोज़ सुबह झकझोर कर उठाना और साथ सैर पे ले जाना शुरू किया और मंत्र दिया कि अर्ली टू बेंड अर्ली टू राइट राइज मैक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए तब भी किसंदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाव यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता है कि कोई उन्हें भाव कहता है। हर सवेरे वह किसंदा से अनुरोध करते हैं कि चाय पीकर जाएं। किसंदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते। दोपहर यशोधर बाबू ने किसंदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा है, लेकिन किसंदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह की सैर को निकले किसंदा की है। कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देसी खड़ाऊ धारण किए हुए और हाथों में कुत्ते को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए। जब तक किसंदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। किसंदा के चले जाने के बाद उन्हें
ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज़ किया। घर में होली गवाना, जनेऊ पुन्नियों के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये और ऐसे कई और काम यशोधर बाबू ने किशनदास से विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाले शोर दोनों से ही सख्त नापसंद थे। बदतर यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह रह नहीं गया था। यशोधर जी चाहते थे कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही न हो तो यह पद उन्हें क्यों कर मिले। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें जिस तरह मैं किशनदास से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं और हरगिज यह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे, लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा न ताछा, इसके मन जैसा आया करता रहा। गारंटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस की का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा। मानो न मानो, झूठे मुँह से सही एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू। और बच्चे यही उत्तर देते हैं, बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछें।